हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन भी हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्पेशल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले बात करें तो ये लॉ आपके जे एल प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जे एल प्राउस्ट ने, और ये 1799 के अंदर ये लॉ दिया था, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा ये लॉ है। तो ये लॉ कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो एक दूसरे से फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ वाटर का। देखिए वाटर तो बच्चों सभी जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक, इसको अलग अलग सोर्सेस से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिवर वाटर लें, रेन वाटर लें, टैप वाटर लें और सी वाटर लें, अमेरिका का वाटर लें, इंडिया का वाटर लें, कहीं का भी आप वाटर अगर लेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर सिर्फ दो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहीं का भी वाटर ले लो, किसी भी सैंपल का वाटर आप ले लीजिए, उसमें सिर्फ आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और उनके अंदर उनका जो फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा वो हो जाएगा बेटा 2:16, यानी कि ये निकल कर आएगा 1:8। तो ये 1:8 जो प्रोपोर्शन होगा बेटा वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, एलिमेंट फिक्स्ड रहते हैं, एटम फिक्स्ड रहते हैं और उनका मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी अलग अलग सोर्स से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन को आप एयर के अंदर जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, लाइमस्टोन को डिकम्पोज करके आप कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं, या बाइकार्बोनेट को आप, या कार्बोनेट कोई भी हो, तो अलग अलग सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक एटम कार्बन का होता है और दो एटम भाई आपके ऑक्सीजन के होते हैं, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं। ठीक, तो ये जो एटम्स होते हैं वो बेटा हमेशा हर एक सैंपल में, हर एक जगह की कार्बन डाइऑक्साइड में बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं प्रपोर्शन की तो 12:32, तो ये रेशो होता है, अगर मैं इसको सिंपलर करूं और कट करके तो ये 3:8 आ जाता है, ये जो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, सभी मॉलिक्यूल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो भी आपका प्रोपोर्शन है वो हमेशा डेफिनेट रहता है, फिक्स्ड रहता है। कॉन्स्टेंट कंपोजिशन का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट उस कंपाउंड को बना रहे हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। सो बच्चों, अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, है ना। इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, कॉपर ऑक्सीडाइज वॉज ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर बाय टू डिफरेंट मेथड, इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। शो दैट गिवन डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, उसने कहा है कि इस डेटा को बताओ कि ये कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इसको फॉलो करता है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे और दोनों ऑक्साइड का डेटा देखेंगे। भाई पहले केस में तो भाई उसने कहा है कि मास ऑफ ऑक्साइड उसने यहाँ पर दिया है, सॉरी मास ऑफ मेटल, कॉपर ऑक्साइड की बात करें यानी कि कॉपर की बात कर रहा है, उसने दिया है 1.75 ग्राम और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा, उसने दिया भी है कॉपर ऑक्साइड, इसकी वैल्यू यहाँ पर उसने दी है 2.19 ग्राम। ये पहले केस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इसका हम डेटा निकालते हैं भाई, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालते हैं पहले, कैसे निकलेगा भाई, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर अब यहां पर निकालें, मास ऑफ कॉपर उसने पहले केस में कितना दिया भाई 1.75, कॉपर ऑक्साइड का मास दिया उसने 2.19 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आ जाएगा डेटा 79.7 आ जाएगा यहां पर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी आप निकाल सकते हैं,
कैसे निकालेंगे आप कॉपर की जो परसेंटेज है उसको घटा देंगे, 79.7 इज इक्वल्स टू, तो 20 के आसपास आएगा, 21%। ठीक है, ये तो पहले केस का हमने यहाँ पर डेटा निकाला है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो भाई मास ऑफ कॉपर कितना लिया उसने यहाँ पर, ये दिया हुआ है 1.14 ग्राम। बात करें मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में, डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये दिया उसने 1.43 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अब परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर का वही फॉर्मूला लग जाएगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आप वैल्यूज रख लीजिए, मास ऑफ कॉपर 1.14 ग्राम, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.143 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, 79.7%। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालना चाहूँ ऑक्सीजन की, तो 100 में से मैं कॉपर के परसेंटेज को घटा दूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से 20.3। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, 79.9 आया था निकल कर, दब जाकर आपकी 20.1% आई। तो हम दोनों को मैच करते हैं भाई, ये अलग डेटा है ये अलग डेटा है, तो हमने देखा कि कॉपर की परसेंटेज 79.9 आई, 79.7, तो 0.12 चल जाता है। थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की परसेंटेज को अगर हम कंपेयर करें तो ये भी ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट होता है। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की बात कर लें। दूसरे न्यूमेरिकल में पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ द 2 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अभी कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने एग्जांपल लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ये 12.32 रेशो से बनाते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास कितना होता है भाई, मॉलिकुलर वेट 44, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन, एक ही एटम होता है तो 12 ग्राम आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा भाई, 12/44। पूछ रहा है कितने के अंदर, 2 ग्राम के अंदर पूछ रहा है, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12/44 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो ये पॉइंट्स में आपका लगभग पॉइंट्स में आ जाएगा 5.45 ग्राम आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन या किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल, और उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। इफ़ यू फाइंड ए वैल्यू इन दिस वीडियो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और फ्यूचर में मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि भाई काम अच्छी तरीके से किया जा रहा है। सो धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत आप सभी बच्चों का, सभी व्यूवर्स का, इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर रोशन जी, नाम टेकिंग साइनिंग ऑफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।